नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी गौतम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल द निराला टीवी। आज हम पहुंच चुके हैं सडोरा के रेस्ट हाउस में। भाजपा नेता संजीव गहरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा मांग हिसाब यात्रा चल रही है। इसी के संदर्भ में आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से यह कहा कि पहले वो 70 सालों का हिसाब दे, तभी हमसे 10 सालों का हिसाब मांगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से संजीव गहरू का क्या कुछ कहना है। आप देख रहे हैं शिवानी गौतम के साथ द निराला टीवी। धन्यवाद। मेरी सरकार नहीं है क्या? विधायिका जी को जब उनका वेतनमान मिला, अन्य जो सुविधाएं एक विधायक को मिलती हैं वो सारी जब उन्हें मिली हैं, तो उनको और उनके विधानसभा को जो जो चीज़ें आई हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर, सरपंच स्तर पर ग्रांट भेज सकती है, वो तो फिर भी विधायिका है। दूसरा सवाल, कांग्रेस ये बताए कि जिन लोगों के गलों में टायर डाल डाल कर जलाया गया, माइनॉरिटी को किस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया एक वोट बैंक के तौर पर, उन्होंने क्या किया है? वो कहते हैं कि जी ये वोट बैंक हमारा है। अगर वो वोट बैंक उनका है तो वो बताएं कि उस वोट बैंक के लिए उन्होंने आज तक किया क्या है, क्या कितना वो देकर आप रच चुके हैं, और वो जनता कितना अपना करवा के रच चुकी है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसको आज इसी विषय को लेकर पत्रकार वार्ता की गई थी कि ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, जनता उससे बखूबी जागरूक है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रदेश के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उन्होंने जिस प्रकार की घोषणाएं लगातार की है, उन्होंने एक दिन पहले अग्निवीरों के लिए जिस प्रकार की घोषणा की है, गरीब लोगों के लिए हैप्पी कार्ड यूज़ किए हैं, जो कांग्रेस के 100 गज के प्लॉट उन्होंने घोषणा की थी, खाली वो एक घोषणा मात्र थी, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 100 गज के प्लाट दिए, कागज दिए, कब्जा भी दिलवाया है, और ये कहा है कि जिस लाभार्थी को 100 गज का प्लाट नहीं मिलेगा, उसके गांव में जगह नहीं होगी, तो उसको 1 लाख रुपया उसके खाते में भेजा जाएगा, ताकि वो 100 गज का प्लाट अपनी पसंद से कहीं पर खरीद सकता है। और इसके अलावा किसानों को, युवाओं के लिए सक्षम योजना, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके जो वेतनों में वृद्धि की है, अभी सरपंचों को जो मानदेय दिया गया है उससे पूरे प्रदेश में और एक उमंग और उत्साह का है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तीसरी बार पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिल रहा है, और यहाँ तक कि सडोरा विधानसभा में भी कमल का फूल खिलेगा। इस इन सब बातों को लेकर, इन सब बातों का खुलासा करने के लिए पत्रकार वार्ता मैंने आज बुलाई थी। आप सभी का धन्यवाद। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। सर, जैसे कि अब ये विधानसभा के चुनाव है, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? जैसे कि जो उम्मीद लोकसभा सीट पर थी वो नहीं खरी उतरी, तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? नहीं, देखिए मुद्दे तो प्रदेश स्तर के रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों की बात होगी, प्रदेश के विकास की बात होगी, और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से योजनाएँ नीचे तक पहुँचाने का काम कर रही है। और आम जनता में जब हम लोग जाते हैं तो उनके जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का एक माहौल देखने को मिल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सर, यदि विकास की बात की जाए तो सनोरा में जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं जी। इस बारे में जैसे आप, यदि बीजेपी जो पार्टी है, यदि आपको कोई कैंडिडेट बनाती है तो आप कैसे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, ये विषय संगठन और पार्टी का है कि मुझे उम्मीदवार वो बनाएंगे। जो प्रश्न है कि विकास की बात सडोरा के अंदर, सडोरा मैंने कहा कि सडोरा के अंदर जो वर्तमान विधायिका हैं कांग्रेस की हैं, और उन्होंने उपेक्षा की है, किसी भी प्रकार के काम उन्होंने नहीं किए, और इस वजह से मूलभूत सुविधाओं को छोड़िए, जो कार्य वो कर सकते थे अपने स्तर पर और प्रशासनिक मदद लेकर, उन्होंने उससे किनारा किया, जिसकी वजह से आज सडोरा विधानसभा मूलभूत सुविधाओं से पीछे है। सर, आपने मुख्यमंत्री की जो वर्तमान में योजना है मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं, उनको लेकर बातचीत की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष की तरफ से भी कि ये चुनावी रेवड़ियां हैं, इसको लेकर आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये चुनावी रेवड़ी है या एक जमीन सत्र से जुड़ी हुई है? देखिए,
अगर ये चुनावी रेवड़ियाँ हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 8500 रुपए के लड्डू भी बांट रहे थे, तो वो तो उनके खातों में 8500 रुपए तो आज तक भी नहीं पहुंचे हैं। और मैं जब गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता आएँ, हम उनसे पूछेंगे 8500 रुपए कहाँ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणाएँ हैं वो ऐसा नहीं कि मात्र घोषणाएं हैं, उन सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 100 गज के प्लाटों को देने का काम किया है, जिनको सिर्फ कागज ही नहीं उनके कब्जे भी लाभार्थियों को दिए गए हैं। और इसके अलावा जो 21-21 लाख रुपए प्रत्येक सरपंच को मानदेय बढ़ाया गया है वो उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। और हमारी सिर्फ बातें नहीं हैं, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती, पूरे इरादों के साथ काम करती है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से पिछले लगभग 5-7 साल के अंदर 70 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जो इम्पोर्टेंट जैसे नीट की परीक्षा हो गई जी, और हर परीक्षा के मामले में देखा जाता है कि पेपर लीक होता है परीक्षा का जी, तो इसको लेकर क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और क्या आपका सोचना है कि भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है युवाओं का? देखिए, जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, समाज में प्रत्येक अपराध को रोकने के लिए कानून की एक व्यवस्था है जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गली के नुक्कड़ पे मोड़ पे हम देखते हैं, आप लोग भी स्वयं कवर करते हैं कि क्राइम है। लोगों को पता है कि मैं अगर किसी को डंडा मारूंगा, चोट लगेगी तो उसकी क्या सज़ा है, या मैं किसी को डराने धमकाने का काम चलती रहती हैं। लेकिन सरकार का प्राथमिकता ये रहती है कि इस पर अंकुश लगे और वो अंकुश लगाने का काम कर भी। सर एक क्वेश्चन, जब हमने आपका इंटरव्यू किया था उसमें भी एक बात उठाई थी कि जिस तरह से मीडिया में दिखाया जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान बीजेपी के जो उच्च स्तरीय नेता हैं, जैसे अभी अमित शाह जी हरियाणा में आए थे और उन्होंने इसको एक तरह से क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश की अपने भाषण के दौरान कि मुसलमानों को ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को नहीं देने देंगे, तो इस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, उन्होंने कर्नाटक के आधार पर बात की थी और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उनकी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आरक्षण का 1% एक सीमित सीमा तक है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता जी, क्योंकि किसी भाषण में किसी शब्द को किस प्रकार से देखा जाता है ये सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन अगर आप एक विश्लेषण करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ऊपर कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है या किसी अन्य राज्य में सरकार है, तो उससे ऊपर नहीं जा सकती, इस प्रकार का उनका मंतव्य रहा। सर अभी यदि बात करें सढ़ौरा की, तो सढ़ौरा विधानसभा के आप विभिन्न गाँव में जो है अपना जन समाज जो कर रहे हैं लोगों से जी, तो लोगों की कुछ समस्याएं भी आ रही होंगी जी। तो आपने सढ़ौरा की जो नगरी है ये बहुत पुरानी नगरी है जी, और जानी मानी नगरी है, तो आप आने वाले समय में सढ़ौरा वालों को क्या सुविधाएं दे सकते हैं? देखिए, अगर मुझे किसी भी प्रकार का मौका यहाँ सढ़ौरा की जनता का सेवा करने का मिला तो मेरी एक व्यक्तिगत इच्छा ये है कि सढ़ौरा में टूरिस्ट सर्किट एस्टैब्लिश हो सकता है, यहाँ पर आयुष के सेंटर बहुत एस्टैब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जंगल और वनों से और जड़ी बूटियों से भरा हुआ इलाका है, घाट चित्र है, शिवालिक तलहटी है, फुटिल है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो मेरी जानकारी है तकरीबन 800 के करीब औषधियाँ हैं, तो आयुष का एक बड़ा अच्छा सेंटर यहाँ पर एस्टैब्लिश हो सकता है। और टूरिज़म की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो टूरिज़म इसलिए कि यहाँ पर आदि बद्री है, आदि केदार है, कपाल मोचन है, रोजा पीर है और लोगड़ साहिब है, तो यहाँ पर सभी धर्मों का एक समरस होके, और यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक में यमुनानगर रेलवे स्टेशन भी है जो देश की और प्रदेश की राजधानी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक टूरिस्ट हब या टूरिस्ट सर्किट एस्टैब्लिश हो सकता है। और माँ सरस्वती का उद्गम स्थल भी है, एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में है जो जिसको आगे से क्रियान्वयन किया जा सकता है। सर सढ़ौरा में जो हॉस्पिटल है जी, और 90 हमारे आसपास के जो 72 गांव हैं वो इसी सढ़ौरा हॉस्पिटल से उम्मीदें करते हैं, लेकिन सढ़ौरा में डॉक्टरों की कमी, दवाई की कमी और बिल्डिंग जो हमारे सढ़ौरा में जो भवन है उसकी भी जो बहुत जर्जर हालत है, तो इस बारे में क्या? देखिए, प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की घोषणा थी 50 बेडेड हॉस्पिटल का, अभी वो केंद्र में मंत्री भी हैं। मैं आपको जानकारी दे दूँ यदि आपके पास नहीं है, उसकी ग्रांट आ चुकी है, टेंडर हो चुका है,
जो पुराना भवन है उसको तोड़ा जाएगा, उसके स्थान पर नया निर्माण कार्य जल्द शुरू हो रहा है, तो उसमें कोई कोताही नहीं है कार्य प्रगति को। सर एक फाइनल क्वेश्चन है, वो जो एक क्वेश्चन हॉस्पिटल को लेकर तो सिंह भाई ने कर लिया, लेकिन हल्के की जो सड़कें हैं, बहुत सी सड़कें ऐसे हैं जो पिछले लगभग 10-12 साल से उखड़ी हुई पड़ी हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्य नहीं लगा, और आने वाले समय में फिर से आचार संहिता लग जाएगी और कोई कार्य लगने को नहीं। प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से सढ़ौरा विधानसभा के लिए चीज़ें भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जी, क्योंकि हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका एक नारा था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और प्रत्येक 90 के 90 विधानसभाओं को समान रूप से उन्होंने देखा है, लेकिन मजबूरी सढ़ौरा की जनता की रही कि कांग्रेस का विधायक उन्होंने बनाकर गलती कर ली, और जिसके कारण विकास और विकास की गति से सढ़ौरा पीछे रह गया, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। न सिर्फ सढ़ौरा के आसपास आप हाईवे देखेंगे, सढ़ौरा की यहाँ की जो आम जो सड़कें हैं या जो कनेक्टिविटी है उसको सबसे पहले ठीक कराने का काम किया जाएगा।